चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेन्द्र। नई झरोके में आपके पास संडे स्पेशल में लाए हैं कुछ आपके लिए खास। दो तरफा हमारे पे हमला है इस समय, अंदर कोरोना फूल फूल कर बहुत फैलता जा रहा है। आज हम 2.5 लाख के पास आके छठे नंबर पे आ गए हैं और रोजाना की गिनती के अनुसार हम तीसरे नंबर पे आज बेसहारा हो गए हैं। कल से सहारा मिलेगा भगवान का, हमें मंदिर खोलेंगे तब मालूम चलेगा। दूसरी तरफ उत्तर में हमारा चीन हमें आंखें दिखा रहा है। चीनी हिंदी भाई भाई कहते कहते आज चीनी हमारे लिए दुश्मन बनता जा रहा है। 5 लाख करोड़ रुपए हम अपने जेब से निकालकर उसका सामान खरीद के उसको दे देते हैं। हमारे पास बजट है 4.25 लाख करोड़ का बस। अगर जितना देते हैं उतना ही वे खरीद के हमारे बंदूक लगाए तो हम पर भारी पड़ जाएगा। बायकॉट मेक इन चाइना, जी हाँ, चीनी के उत्पाद रोकिए, स्वदेशी बढ़ाइए। किसी की व्यवस्था अर्थव्यवस्था कमजोर करते हैं उसके अपने आप डिलवाने लगती है, चाहे भारत हो चाहे चीन हो। उसकी अर्थव्यवस्था 5 लाख करोड़ कम कर दीजिए, एक बार बायकॉट करना शुरू कर दीजिए, सचमुच अपने आप हमारा दुश्मन हमारे सामने झुक जाएगा। आज हम बात करने आए आपसे, एक समय आंकड़ा था हमारा 40 करोड़ का, गिरते 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 44.5 लाख तक गए हैं। अगली गिनती आ रही है, पता नहीं कहां होंगे, ये 2011 की गिनती है हमारे पास। इतना धर्मांतरण हुआ 10वीं सदी 8वीं सदी के अंदर। पिछले एपिसोड में बताया भी था आपको, एक महिला ने, तमिल महिला ने मीटिंग में क्या जबरदस्त तरीके से बात करी है विवेकानंद जी के सामने। जो उसने कही है बातें वह आपको तमिल में दिखाएंगे और उसका रूपांतरण दिखाएंगे हम आपको। भट्टारक स्वामी जी अरहंतगिरी में जिनसे हमारी मुलाकात भी हुई थी, उन्होंने उसको रूपांतरण बताया हिंदी में कि किस तरीके से हमें अब धर्मांतरण रोकना पड़ेगा। सब सब धर्मों के लिए यह सम्मान की बात होगी, हम नीचे नहीं गिरेंगे और भी कोई नीचे नहीं गिरेगा। श्रेष्ठतम श्रेष्ठतम रहना चाहिए, जो आपके अंदर है उसे रखिए, किसी को छीना झपटी मत कीजिए। आज हम बात बताएंगे, एक जगह मूर्ति निकली थी, क्या खास बात थी उसकी, एक प्रतिमा ऐसी खास बात है कि जो एक ही क्षमा पर पहले तीर्थंकर 24 तीर्थंकर की है। आज का दिन भी खास है, शुरू करते हैं आज का आपके पास कुछ खास के साथ, चलिए आज की बातें। होंडा अवसर काल का पहला कल्याणक है आज, जी हाँ, 7 जून आषाढ़ कृष्ण द्वितीया को 24 तीर्थंकरों के 120 कल्याणकों में से पहला कल्याणक, यानी हुंडा अवसर्पणी काल का पहला कल्याणक, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ जी की माता मरुदी जी के घर में आज अवतरित हुए थे। अयोध्या नगरी में वे अवतरित हुए तीसरे काल में और आज ही के दिन रात्रि के पिछले पहर व उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र में दर्शन करिए उसी पावन तीर्थ के। 500 धनुष ऊंचा कद और 84 लाख पूर्व वर्ष की आयु, और एक पूर्व होता है आपको पता है ना, 84 लाख पूर्वांग का, और एक पूर्वांग 84 लाख वर्ष का, यानी आयु हो गई 84 लाख गुणा 84 लाख यानी 5,927 करोड़ वर्ष की, इतनी ज्यादा आयु थी और 4 लाख वर्ष और। ये चित्र भेजी हमें करुणेंद्र जैन जी ने, बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की जय। अगली खबर, ना हो कोई अब धर्मांतरण, करो सर्वधर्म का सम्मान। 40 करोड़ थे हम 2000 साल पहले और अब सिमटकर 44,51,000 रह गए हैं। पहले हिंदू संप्रदाय, फिर मुस्लिम संप्रदाय और उसके बाद क्रिश्चियन संप्रदाय ने अपनी अपनी तरह से जबरन प्रलोभन देकर अपनी ओर खींचा। कुछ उनके साथ चले गए और कुछ को संसार छोड़ना पड़ा। कब तक चलेगा यह धर्मांतरण का खेल, क्या हम विराम नहीं लगाना चाहिए इस पर? जरा सुनिए इस महिला ने जो कहा, वह भीतर तक झक जोड़ने के लिए काफी है। हाँ, तमिल भाषा में, तो जरा सा ही आपको इनका अंश दिखाते हैं और फिर इसका हिंदी रूपांतरण दिखाएंगे हम आपको। மதமாற்றம் யார் முதல்ல இந்த நாட்டுல கட்டாயப்படுத்தி மதம் மாற்றினாங்க? வரலாற்றை எடுத்து பாருங்க. சமணர்களை கழுவேற்றிய சைவர்கள்னு பெருமையா பேசல. உலகத்துல எந்த மதம் வந்து வன்முறை இல்லாமல் மதம்? हम भी नहीं समझ पाए आपकी तरह ये तमिल भाषा। फिर हमने सुरेश जैन जी से सहयोग भी लिए मांगा कि संपर्क करके कि अरहंतगिरी भट्टागर स्वामी जी से इसका रूपांतरण दे और उन्होंने क्या ट्रांसलेशन किया है खूबसूरत तरीके से, जरा आप भी सुनिए भट्टारक स्वामी जी की आवाज में। ये इस वीडियो में जो लेडी बात कर रही है उसका ट्रांसलेशन मैं हिंदी में बता रहा हूं, वो इस प्रकार है। सबसे पहले किसने धार्मिक रूपांतरण को शुरू किया? इतिहास को उठाकर देख लें, इतिहास गवाह है। जैन व उनके साधुगण को सूली पर चढ़ाया शैवों ने, उसे क्या कहेंगे आप? इस दुनिया में क्रूरता के बिना कौन सा मत या धर्म ऐसा है जिसने मतांतरण, धार्मिक रूपांतरण या परिवर्तन किया है, बताइए। उसके बिना क्या आदिशंकर को ले लें, बौद्ध भिक्षुओं या बौद्ध साधुओं को अग्नि पर आहुति न बनाया हो?
नहीं, आप शांत रहे, पहले मुझे बोलने दें। आप ही विवेकानंद, आपके ही जो विवेकानंद जी हैं वो लिखते हैं, चाहे तो मुझे नोटिस दे दें या केस फाइल करें, मैं सबूत दिखाऊंगी। मेरे पास उनकी लिखी किताब है जिसमें वे कहते हैं कि बुद्ध के शांत चित्त यदि आदि शंकर को मिला होता तो आज इस देश का इतिहास कुछ और ही होता। आपके ही विवेकानंद जी ने लिखा है इसको, मेरे पास सबूत है, मैं दिखाऊंगी। और क्या कहते हैं उसमें, वाद में जो हारेंगे वे अपने आप को अग्नि में समाहित करके प्राण त्यागेंगे। न्यायालय में देखें तो जो नीतिमा है उनके हाथों में तराजू है, पर ये जो आदिशंकर जी हैं उनके तराजू को देखें कि दोनों पक्ष वाले के गले में फूल के हार या फूल की जो माला है वो होगी, जिसका फूल पहले मुरझा जाए वे हारे माने जाएंगे। बौद्धों का फूल जो जा था वो मुरझा गया। शंकर जी जानते थे कि उनका जो उनके लिए जो कौन सी माला पहननी चाहिए जिससे वह उसके उनके जो बॉडी टेम्परेचर है उसको सूट हो सके। मेरे वतन शीतल रहता है तो इस हिसाब से मैं कौन सा फूल पहनूं जो कि मुझे सूट होगा, ये वे जानते थे। इसमें हारे जो बौद्ध भिक्षु हैं अपने आप को जला लेते हैं, यही उस वाद का प्रतिबंधन था कि वो अपने आप को जला लें। क्या यही विश्व शांति को बताने वाला धर्म है? क्या आप बताएं, यही विश्व शांति को बताने वाला धर्म है आपका? उनके द्वारा कितने जैन व बौद्धों के मठों को चकनाचूर किया गया था, उन सब को हमें पता नहीं लगाना चाहिए क्या? इतिहास का पुनर्निर्माण इसके बिना कैसे करेंगे और कहां से करेंगे? आपके द्वारा भगाए गए जो बौद्ध भिक्षु हैं वही आज लंका में बदला लेने के लिए बैठे हैं। वो वहां के शिव के और कार्तिकेय गणेश के मंदिर को तोड़ रहे हैं। आपके दुश्मन आपको ही दुश्मन नजरिए से देखते हैं, कारण आपने उन लोगों को भगाया था यहां से। क्यों बुद्ध भी इसी देश में ही जन्म लिया ना? आप भी प्रचार प्रसार करें, किसने मना किया कि हिंदू धर्म विश्व एकता का धर्म है, हम अब आपसे समान व्यवहार करेंगे। आप इसका प्रचार करें, हम भी आपसे समान व्यवहार करेंगे, हम सब मिलजुल कर बैठ कर खाएंगे। वो बातें पुरानी हो चुकी हैं। आज हम सब कोई धर्म को धर्म के पक्षपात नहीं करते हैं, धर्म के पक्षपात नहीं देखते हैं। हमारे पुरुष वर्ग रक्षा सूत्र नहीं पहनते। आपके पीठ व हमारे पीठ एक जैसा ही है, हम लोग सिर्फ ग्रंथों को महत्व देते हैं। आप लोग भी प्रचार करें और हम भी 10 लोगों को लाएंगे। बस इतना ही उस महिला ने इस वीडियो में बताया है। अब इस पर लगना चाहिए विराम। नहीं हो अब कोई धर्मांतरण, श्रेष्ठतम धर्म पर बार बार चोट। क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं अहिंसा के पुजारी? अब नहीं, अब और नहीं, कभी नहीं। अगली खबर, वह देवताओं का यह अभिषेक था या फिर किसी अनहोनी का संकेत था? कल शनिवार 6 जून को तिजारा आती क्षेत्र पर दोपहर को अचानक नवग्रह जिन मंदिर में स्वतः अभिषेक होने लगा। शनिवार का दिन और कुछ कहते हैं यह श्री मुनि सूरत भगवान का दिन है। सबके एक से गुण होने के बावजूद हमने तो 7 दिनों में 7 तीर्थंकर को बांट रखा है। आज रविवार है तो पारस प्रभु का दिन कहते हैं। खैर, यहाँ यह निकलता जल मंदिरों के कपाट खुलने का शुभ सूचक है या किसी आने वाली अनहोनी का संकेत? घटनाएं दोनों ही हमारे सामने, इसे चमत्कार कहें या फिर सुगबुगाहट की एक कोई दस्तक। जैन धर्म में चमत्कार को नमस्कार नहीं है, पर यहाँ श्रद्धा से किया गया नमस्कार चमत्कार जरूर करता है। इन दृश्यों के मुंह गवाह बने वहां के पुजारी, मैनेजर और चंद श्रावक। अब यह फैसला आप सब पर छोड़ते हैं। किसी को अच्छा लगे तो यह बहुत अच्छा है और कोई खराब माने तो कोई किया खराब, क्योंकि शास्त्रों में भी शब्द इसके अपशुकन को मानते हैं। अगली खबर, 800 वर्ष प्राचीन पारस प्रतिमा मिली अब खुदाई में। परमारकालीन यानी 9वीं सदी से 14वीं सदी के बीच मालवा वंश की समय की है 23वें तीर्थंकर की पार्श्वनाथ प्रभु की पद्मासन प्रतिमा 3 जून को मध्य प्रदेश के खरगोन शहर से 18 किलोमीटर दूर जैन तीर्थस्थल ऊन के नारायण कुंड में
मनरेगा योजना के अंतर्गत चल रहे कार्य की खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है। पुरातत्व संग्रहालय के अधिकारी सुल्तान सिंह का कहना है कि ये 2.5-3 फीट की प्रतिमा किसी मंदिर के आलेवे में संभवतः स्थापित रही होगी। ऊन वैसे ही उस समय जैन शिक्षा का बड़ा केंद्र रहा था। नारायण कुंड में नाला उपचार कार्यक्रम में यह प्रतिमा प्राप्त हुई है। अगली खबर, 100 करोड़ नवकार जाप, करोना से मिले नजात। लक्ष्य रखा था 10 लाख जैन बंधु देश विदेश से। रविवार 31 मई को प्रातः 8:31 से 12:40 तक, यानी लगभग 4 घंटे में 99,99,99,99,999 बार महामंत्र नवकार का जाप करेंगे। और जैसा आप देख रहे हैं, इस दावे के अनुसार 34,59,734 ऑनलाइन श्रद्धालुओं ने 112,09,53,816 बार जाप किया। यह आंकड़ा हो सकता है जो दिख रहा हो उसमें वास्तव में थोड़ा छोटा हो, क्योंकि जैसे कहते हैं श्रद्धालु दोनों चैनल पर आए हो तो गिनती डबल हुई। इस तरह कई बातें हो सकती हैं, पर फिर भी यह विश्व की सबसे बड़ी ऑनलाइन गैदरिंग होगी। नवकार परिवार द्वारा आयोजित इस नवकार जाप के लिए मुनिश्री सुधा सागर जी ने आशीर्वाद भी दिया। जरा सुनिए उन्हीं के मुख से। महाराज का पूरा आशीर्वाद है, क्योंकि नमोकार मंत्र सामूहिक संकट में, यदि हमने तो पहले ही दिन कहा था कि हर व्यक्ति के पास जो जो शक्तियों पर विश्वास है उन शक्तियों को इस समय लगा दो। हम कोरोना को रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन हम अपने लोगों को बचा पाएंगे ये जरूर विश्वास। कोरोना को तो रोकने का अधिकार हमारे पास है नहीं, हम रोक नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन हमारी मंत्र की शक्ति इतनी जरूर है कि सच्ची श्रद्धा और लगन से हम मंत्र को पढ़ेंगे तो हम मंत्र पढ़ने वालों का बचाव कर सकते हैं। तो बचाव करना ही बहुत बड़ी चीज़ है। एक बार हमारे आचार्य महाराज ने कहा, हम कसाई खाने बंद नहीं कर सकते हैं लेकिन हम गौशाला खोल सकते हैं गायों की सुरक्षा। इसी प्रकार से कोरोना के ऊपर तो अपन धर्मात्मा लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने लोगों को बचा सकते हैं, कवच पहना सकते हैं। ये नमोकार मंत्र सारी दोनों समाजों में नमोकार मंत्र एक रूप से पढ़ा जाता है, यही पद है। तो दोनों दिगंबर सितंबर समाजों से मेरा कहना है, जिस व्यवस्था से ये लोग नमोकार मंत्र कर रहे हैं उस व्यवस्था के अनुसार अपना एक संगठन, अपना एक यूनियन दिखाएं कि नमोकार मंत्र के नाम से हम दिगंबर सितंबर एक ही बनो। और ये मंत्र कोई किसी संप्रदाय के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये मंत्र पढ़ा जा रहा है विश्व स्तरीय कोरोना महामारी को बचने के लिए, बचाने के लिए। आचार्य श्री सुरेश्वर महाराज जी ने कहा कि जब इतनी बड़ी संख्या में भगवान का नाम लेते हैं तो प्रार्थनाएं पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त करने लगती हैं। विश्व को कोविड-19 से बचाने में यह ऊर्जा अपना काम करेगी। जहां देश भर में नवकार जाप किया गया, वहीं इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कीनिया, मलेशिया, थाईलैंड, दुबई के साथ साथ जापान में भी नवकार जाप गुंजायमान हुआ। जरा सुनिए जापान से। अगली खबर, पिता मुत्र की कोरोना से मृत्यु। यह दर्दनाक खबर आई है इंदौर के स्मृति नगर से, जहां जैन मंदिर के सामने रहने वाले परिवार में 15 दिन पहले पिताजी की कोरोना से मृत्यु हो गई और अब 5 जून को बेटे को भी कोरोना ने नहीं छोड़ा। अब घर में गर्भवती बहू और सास हैं। भगवान परिवार को इस कष्ट से लड़ने की शक्ति दे। और आप लोग भी ध्यान रखें, सावधानी इस बीमारी में सबसे बड़ा बचाव है। अगली खबर, एक ही पाषाण पर आदि महावीर की प्रतिमा। पूरी दुनिया में यह एकमात्र प्रतिमा है, यानी एक ही पाषाण पर बाईं तरफ पहले तीर्थंकर श्री आदिनाथ जी, जिनका आज गर्भ कल्याणक है, और दाईं तरफ श्री महावीर स्वामी जी। यह प्रतिमा पहले ओडिशा में थी, यानी उड़ीसा में, फिर इसे 1830 में जॉन ब्रिज ने क्रिस्टी सेल में खरीदा। जॉन ब्रिज के मरणोपरांत उसकी पत्नी ने 1872 में इस प्रतिमा को ब्रिटिश म्यूजियम में डोनेट कर दिया। तब से यह लंदन के स्थित ब्रिटिश संग्रहालय में है। है ना दुनिया में एकमात्र अनोखा प्रतिमा। अगली खबर, फिट करी से हाथ धुलेंगे और नाचे जापेंगे, यह जांचा जाएगा आपका तापमान।
दर्शनोदय तीर्थ थुबोनजी ट्रस्ट कमेटी के विपिन सिंघई ने सूचना दी है कि अब वहां पर मंदिर प्रवेश परिसर में कल से प्रवेश से पहले फिट करी के पानी से श्रद्धालुओं के हाथ धुलवाए जाएंगे, साथ ही श्रद्धालुओं के टेम्परेचर की जांच भी होगी, उसके बाद ही उन्हें मंदिर में प्रवेश मिलेगा। हाँ, गंधोदक भी चम्मच से लेना होगा और द्रव्य थाली पुजारी ही स्वयं देंगे। यहाँ पर 26 मंदिर हैं तथा 12वीं सदी की 24 तीर्थंकर की यहाँ मूर्तियाँ विराजमान हैं, साथ ही आदिनाथ भगवान की 28 फीट ऊंची खड़गासन प्रतिमा भी है। अगली जानकारी, कुछ संतों के 2020 चतुर्मास की घोषणा। पिछले एपिसोड में हमने बताया था एलाचार्य श्री अतिवीर जी के चतुर्मास की घोषणा मथुरा में हुई है, तो अब हमें लोगों ने जानकारी भेजी है जो हम आज यहाँ दे रहे हैं। ये हमें जानकारियाँ मिली हैं जिसमें कुछ की हम पुष्टि तो नहीं कर सकते, पर उनके अनुसार दी जानकारी अनुसार आपको यहाँ बता रहे हैं किन महाराज का कहाँ चतुर्मास है। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी सत्संग बेलगांव कर्नाटक में, आचार्य श्री पुष्पदंत सागर सत्संग पुष्पगिरी सोनकच्छ एमपी में, आचार्य श्री इंद्र नदी सत्संग अतिशय क्षेत्र सांखना राजस्थान में, आचार्य श्री विशुद्ध सागर सत्संग बासोकुंड वैशाली बिहार में, आचार्य श्री विमर्श सागर सत्संग बाराबंकी यूपी में, आचार्य श्री वसुनंद जी सत्संग जम्बू स्वामी तपस्थली बोलखेड़ा राजस्थान में, आचार्य श्री अनुभव सागर सत्संग लोहारिया राजस्थान में, आचार्य श्री सौभाग्य सागर सत्संग ग्रीन पार्क एक्सटेंशन दिल्ली में, आचार्य श्री प्रसन्न सागर सत्संग मनशापुर महावीर क्षेत्र मुरादनगर यूपी में, आचार्य श्री पुलक सागर सत्संग बांसवाड़ा राजस्थान में, एल आचार्य श्री अतिवीर जी मुनिराज मथुरा यूपी में, मुनि श्री सौरभ सागर जी पुष्पगिरी तीर्थ सोनकच्छ एमपी में अपने गुरुवर के साथ, मुनि श्री आस्ती के सागर जी गुन्नौर एमपी में, मुनि श्री विपंजंग सागर जी विकासपुरी दिल्ली में, मुनि श्री पवित्र सागर सत्संग वर्धा महाराष्ट्र में, और अभी पता चला है मुनि श्री सकल कीर्ति सत्संग बरकतनगर जयपुर राजस्थान में, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी व प्रणव सागर जी ललितपुर यूपी में, गणनी आरिका श्री विशुद्ध माता सत्संग नसिया जी टोंक राजस्थान में, आरिका श्री विद्याश्री माताजी विद्याश्री आश्रम हस्तनापुर यूपी में, आरिका श्री पूर्णमती माताजी सत्संग कुंडलपुर दमोह एमपी में, आरिका श्री प्रशांत माताजी माता संघ मडावरा ललितपुर यूपी में, आरिका श्री मृदुमती माताजी संघ पिंडरई एमपी में, शुल्लिका श्री पूजा भक्ति भूषण माताजी सोनागिरी दतिया एमपी में। आपको भी कोई जानकारी हो चतुर्मास की हमें तुरंत भेजिएगा। एक मुहिम चला रखी है हमने 100 जैन रिपोर्टर के लिए, आपके लोगों की जानकारी भी आ रही है, एक बार एक कारवा बन जाए, आप लोगों से अनुरोध है अपना नाम पता और फोटो बस एक बार व्हाट्सअप कर दीजिए आप, या हमारी वेबसाइट पर आ जाइए। पहले वेबसाइट की बात करते हैं, info@channelmahalakshmi.com खोलते हैं आप, उसमें एक कॉलम है संपर्क या कॉन्टैक्ट, उसको क्लिक करिए, अपना नाम पता भर दीजिए उसमें, हम आपको एक फॉर्म भेज देंगे, फॉर्म भर के भेजना होगा, हम आपको फिर रिपोर्टर का कार्ड भेजेंगे और हमारा आपका एक तारतम्य मिल जाएगा, फिर हम अपने कार्य को जैन समाज की संस्कार को विरासत को संस्कृति को उस जगह पहुंचा पाएंगे जहां का भी हम भूले बिसरे हम रह गए छिटक गए हैं उसके अंदर से। एक कारवा ये एक दीपक जलाने से नहीं हुआ, एक दीपक से लेकर एक कारवा बनाना हुआ 11,111,111,111,000 इस कारवे को बनाने के लिए हमें आपके हाथ की आपके सहयोग की जरूरत है। मिलिए हमारे साथ, व्हाट्सएप नंबर भी आपको देख रहे हैं 9910690823, आपको तो याद हो गया नंबर ही अब, और हमारी वेबसाइट ईमेल आईडी देख रहे हैं आप info@dainikmahalakshmi.com या info@channelmahalakshmi.com। जी हाँ, नाम पता फोटो भेजिएगा और लिखिएगा हम रिपोर्टर के लिए जानकारी चाहते हैं, आपको हम भेजेंगे, फिर मिलेंगे आपके साथ नए झरोके में। फॉरवर्ड शेयर और लाइक करना चाहे करिए आपके ऊपर है, पर झरोकों के साथ और भी कार्यक्रम देखिएगा, हर बार नई चीज के साथ आते हैं आपके साथ, वह चीज उठा के लाते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलती। मिलेंगे फिर आपके साथ एक बार, सादर जय जिनेन्द्र।